हो गया हो गया। ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम आशीष एंड वेलकम टू माय चैनल आशीष 93। एंड टुडे वी डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स व्हिच यू नो वेरी वेल बट यू आर प्रोनाउंसिएट आइदर यूज समटाइम्स रॉन्ग। ओके सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। So let's first home or house. What is different between home or house? हम जानेंगे कि home और house में क्या अंतर होता है। ठीक, तो मैं बता दूं, वैसा घर जहां पे mother, father, brother, sister, uncle, aunt, भाई जितने सारे पूरा जो family होता है, एक group of family, जिस घर में रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं house. Second है home, वैसा घर जिसे हम कुछ दिन के लिए rent पे लेते हैं या कह लीजिए कुछ टाइम के लिए हम लोग परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जॉब के लिए अपॉइंट हो गए और आपका ट्रांसफर हो गया कुछ महीने के लिए दूसरे जगह, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहां नया घर तो बना नहीं सकते हैं, कुछ दिन के लिए आप क्या करेंगे, परचेस कर लेंगे या फिर रेंट पे लेंगे। तो वैसे घर को आप कहिएगा होम। कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिसन और हियर में क्या अंतर है? दोनों का मतलब होता है सुनना, तो लिसन और हियर में है ना बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा देखिए, आपको मैं जो बता रहा हूं ये अंतर, इसका मुख्य कारण यह है कि जब आप किसी व्यक्ति के सामने बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके पर्सनैलिटी पे पड़ता है कि आप कितना अच्छा अंग्रेजी जानते हैं और आपकी क्या स्ट्रेंथ है। मान कर चलिए कि अगर आप बोल दे कि मैं गाना सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग सॉन्ग, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक हो जाएगा। क्योंकि देखिये जब हम किसी भी चीजों को ध्यान से सुनते हैं तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लिसन का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स्ड होता है, लिसन टू, मतलब किसी भी बात को या किसी भी चीज को ध्यान से सुनना, या जैसे म्यूजिक हो गया तो कोई व्यक्ति म्यूजिक सुनता है बिल्कुल ध्यान से सुनता है, यस आई एम एंजॉयिंग, राइट। बट यहाँ पे क्या आपका हियर, जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तो अब किससे सुना था पता नहीं बट मैंने सुना था, तो ये कंफर्म नहीं है, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं हियर। जब कहीं से आवाज हम सुन लिए, मान के चलिए कहीं गाना बज रहा तो उसको हम सुन लिए क्योंकि मैंने तो बजा नहीं था, तो इस वर्ड को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हियर में। अगला है शॉर्ट और स्मॉल और यंगर। देखिए तीनों का हिंदी मीनिंग होता है छोटा, परंतु यूज सबका अलग अलग है और बहुत खास है। देखिए कैसे, शॉर्ट जैसे कि मैं बोलूंगा आई एम शॉर्ट बॉय, मैं एक है ना छोटा लड़का हूँ, अगर मान चलिए मेरे से कोई लंबे हाइट वाला या फिर उससे गौर है तो उसको हम लोग बताएंगे क्या बोलेंगे, शॉर्ट बॉय या शॉर्ट गर्ल, परंतु हम वहां पे स्मॉल बॉय स्मॉल गर्ल नहीं बोल सकते। ये स्मॉल मतलब छोटा होता है, कब जैसे हम बोलेंगे अरे मेरे पास एक छोटा सा घर है या भी स्मॉल कार, तो जब कोई वस्तु छोटा होगा तो वस्तु निजी वस्तु छोटा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, स्मॉल का। परंतु अगर कोई व्यक्ति है ना बॉय और गर्ल इधर कोई पर्सन हो उसको अगर हम लोग छोटा बड़ा बोलेंगे तो वहां पर हम लोग छोटा के लिए क्या यूज करेंगे, शॉर्ट। अब बात आती है यंगर, कई बार बोलता है कि मेरा है ना वो मेरा भाई छोटा भाई, तो कह देगा मेरा स्मॉल ब्रदर है, दैट इज रॉन्ग, वहां आप स्मॉल यूज नहीं कर सकते हैं, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यंगर, ही इज माई यंगर ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई है। ओके अगला देखते हैं चार नंबर में, बिग लार्ज एंड इल्डर में क्या अंतर है। देखिए बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब कोई भी चीज जो गोल गोल में बड़ा हो या चौड़ाई में बड़ा हो उसको हम लोग बोलेंगे बिग, है ना, जैसे हम बोल सकते हैं आई हैव बिग लैंड, मेरा बहुत बड़ा जमीन है। लार्ज मतलब क्या होता है कि कोई चीज लंबा हो परंतु बिल्कुल चौड़ाई में हो, है ना, दूर तक गया हो, उसको हम लोग बोलेंगे लार्ज। अच्छा इल्डर मतलब होता है बड़ा भाई, अब कोई बोलेगा मेरा बड़ा भाई आ गया तो कहेगा माई बिग ब्रदर, है ना, हैज कम, नहीं बिग ब्रदर नहीं होगा वो, आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, एल्डर ब्रदर, है ना, ही इज माय एल्डर ब्रदर, वो मेरे बड़े भाई हैं, ये करेक्ट होगा। ओके थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज है ना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक करिए वीडियो को। अगला देखिए पांच नंबर, बाय और परचेज में क्या अंतर है, आप सुने हैं है ना, तो अब देखिए बाय और परचेज में बहुत बड़ा अंतर है। मैं शुरू से बता रहा हूं आपको, ये आपके पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करता है कि आप कितना अच्छा अंग्रेजी जानते हैं। देखिए बाय और परचेस, बाय मतलब भी खरीदना और परचेस मतलब भी होता है खरीदना। जब आप कोई वस्तु जैसे मुझे मार्केट खरीदना, मार्केट जाएंगे दुकान से हम लोग तुरंत खरीद लेंगे, परंतु अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है ना कार खरीदना है तो आपको आप जाते समय आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है,
या फिर कोई अकाउंट की अगर हम बात करें तो अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट से रिलेटेड जितने भी होते हैं उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, परचेज। आप सीधा समझ लिए कि जब हम कोई बड़ा वस्तु खरीदेंगे या फिर लार्ज अमाउंट में खरीदेंगे उसके लिए हम परचेज का प्रयोग करेंगे, परंतु कोई चीज हम गए पैसा पे किया और हमको सामान मिल गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय। अगला है 6 नंबर, देखिए ये कुछ मैंने डिफरेंट वर्ड लिख दिया है। देखिए सबका उच्चारण पेन होता है, सबका उच्चारण यहाँ पर पेन है परंतु सबका मीनिंग अलग है। बहुत आपको मजा आएगा इस वर्ड को समझ कर। देखिए पीएन पेन, पेन मीन्स क्या होता है, कलम या पेन, मतलब अगर वर्ब यूज कर ले तो लिखना होता है। अच्छा दूसरा है पी ए आई एन, पेन, पेन इट मीन्स दर्द। आप बोले अरे यार मुझे स्टोमेक पेन हो रहा, राइट। अब दूसरा है पीएन पेन, पेन मतलब क्या होता है, शीशे का टुकड़ा, देखते हैं कोई भी कांच शीशा टूट जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेन। और एक है पी एन पेन, इसका मतलब कढ़ाई होता है जिसमें लोग सब्जी बनाते हैं। ओके लास्ट 7 नंबर देखिए, कट और बाइट। टू मिनट स्टार्ट। देखिए नेक्स्ट आपका है कट और बाइट। देखिए कट और बाइट दोनों का हिंदी मीनिंग होता है काटना, परंतु कहाँ यूज करते हैं सुटेबल जानना बहुत जरूरी है। देखिए कट मीन्स होता है काटना, कोई भी निर्जीव वस्तु को जब आप कट करते हैं तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कट का। अगला क्या है बाइट, बाइट मतलब होता है दांत से काटना, जिसे हम लोग आम खा लेते, कई बार अमरूद खाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाइट करते हैं। जैसे कुत्ता जैसे काट लेता है तो उसको उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बाइट का, क्योंकि वो दांत से काट लेता है। अगला है प्लक और ब्रेक, है ना, अगला है प्लक और ब्रेक। अब समझिए प्लक मतलब क्या होता है, किसी चीज, जैसे हमारा फूल है तो फूल क्या है ना कि पेड़ के साथ पौधा के साथ टच है, तो उसको खींच कर हम लोग तोड़ेंगे, है ना, उसके लिए हम लोग बोलेंगे प्लक। और जैसे कोई निर्जीव वस्तु है कुछ भी अगर हम लोग तोड़ देते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वॉन्ट टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सच वर्ड्स यू मे राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।